वायरस पर इफेक्ट करने के लिए बॉडी का जो सुरक्षा तंत्र है, जो इम्यून सिस्टम है, वही वायरस को किल कर सकता है। हैंड सैनिटाइजर का विकल्प क्या घर में बैठकर हम बना सकते हैं और कितना कारगर है हैंड सैनिटाइजर बार बार यूज करें? नॉनवेज का आप प्रयोग कम से कम करें, क्योंकि ये जितने भी तरह के वायरस हैं, चाहे वो स्वाइन फ्लू की बात करें, चाहे सार्स की बात करें, ये सब एनिमल से, कोरोना वायरस भी एनिमल से आया है। ऐसी ऐसी दो डंडी, दिन में छः डंडी, तीन दिन में छः डंडी आप तीन बार प्रयोग कर लें तो आप देखेंगे 24 घंटे के अंदर ही आपके फीवर में कमी आने लगेगी और आपकी बॉडी जो है हील करने के लिए तैयार हो जाएगी। पिछले कुछ दिनों से आप भी जब अपना मोबाइल खोलते होंगे तो उसमें हज़ारों चीज़ें आती हैं कि ये खा लो, लौंग खा लो, प्याज खा लो, उससे ठीक हो जाएगा कोरोना वायरस, और हर जगह सैनिटाइजर के लिए मारामारी हो रही है। लेकिन ये सब चीज़ें क्या सच में उपयोगी हैं? क्या सच में लौंग, इलायची, इनसे कोरोना वायरस जो है भाग सकता है? और सैनिटाइजर जिसको लेकर के जगह जगह मारामारी हो रही है, क्या घर में बैठे कैसे बना सकते हैं और घर में क्या चीज़ें हैं, क्योंकि सभी लोग घर में ही हैं, क्या घर में बैठकर क्या चीज़ें उपयोग कर सकते हैं कि वायरस के खिलाफ आपकी इम्यूनिटी बढ़ जाए? इन सब चीज़ों पर बात करेंगे मेरे साथ योग एक्सपर्ट और कई सालों से जो आयुर्वेद और योगाचार्य हैं, डॉक्टर राजेश, उनसे बात करते हैं, वो मेरे साथ मौजूद हैं। राजेश जी, सबसे पहले जो हम रोज़ व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे पढ़ रहे हैं कि लौंग खा लो, इलायची खा लो, ये सब रखा भी हुआ है हमने आयुर्वेदिक की चीज़ें, कितनी सच्चाई उनमें? देखिए, सबसे पहले तो मैं दर्शकों को नमस्कार करता हूँ, क्योंकि आज हमारी जो नमस्कार की जो संस्कृति है, ये पूरा विश्व अपना रहा है और ये हमारे लिए बड़ी गौरव की बात है। अब अगर हम बात करते हैं कोरोना वायरस की, कोरोना वायरस अपने आप में एक एनिमल से आया हुआ एक वायरस है, तो ये ह्यूमन बॉडी के लिए थोड़ा न्यू है, एक नया वायरस है, इसलिए इसमें थोड़ा सा सजग रहने की आवश्यकता है, हमें जागरूक रहने की आवश्यकता है, और इसके बचाव में हम केवल इम्यूनिटी को बढ़ाकर ही इसका बचाव कर सकते हैं। प्लस जो सावधानियां हैं कि आप भीड़ भाड़ वाले इलाके में कम से कम जाएं, और यदि आपको कोई इन्फ्लुएंजा का सिम्टम्स आ रहा है तो आप मास्क का यूज़ करें और प्रॉपर स्वच्छता का ध्यान रखें, समय समय पर आप हाथों को धोते रहें और अपने खान पान पर विशेष ध्यान रखें। लेकिन खान पान में, जैसे मैं भी आजकल देख रहा हूँ कि बहुत तरह के नुस्खे जो हैं वो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। अब वायरल, जिसका जो समझ आए और वो उसको वायरल कर देता है, इससे कई कई बार जो है कुछ लोगों को नुकसान भी हो जाते हैं। तो अगर हम लौंग की बात करते हैं, लौंग ये हमारे सामने रखी हुई है, लौंग जो है आयुर्वेद कहता है ये अपने आप में एंटी वायरल है, एंटी बैक्टीरियल है, और लौंग की जो विशेषता है सबसे ज़्यादा वो है आपके WBC को बढ़ाती है, WBC जो हमारी इम्यून सिस्टम को जो है बढ़ाती है। तो लौंग का प्रयोग आप ज़रूर करें, अपने खाने में करें, आप इसको, अगर आपके नॉर्मल इन्फ्लुएंजा भी है तो आप इसको, गले में दर्द है तो थोड़ा लौंग को भून लें तवे के ऊपर, और जब हल्का ब्राउन हो जाए तो एक लौंग आप मुँह में रख के इसको चूस लेंगे तो आप देखेंगे कि आपको काफ़ी राहत मिलेगी। दिन में ऐसा 2 से 3 बार आप कर सकते हैं। आप अगर काली मिर्च की बात करते हैं तो ये भी कफ नाशक है, कफ को नाश करती है काली मिर्च भी आयुर्वेद में, तो काली मिर्च का भी आप जनरली खाने में ये यूज़ करें आप इसको जो है। और आयुर्वेद में हम गिलोय की यदि बात करें तो गिलोय को अमृता कहते हैं, अमृता मतलब ये अमृत तुल्य है गिलोय, तो इस ये इम्यून सिस्टम पर बहुत अच्छा काम करती है, क्योंकि देखिए कोरोना वायरस का कोई वैक्सीन नहीं है अभी तक, कोई दवाई नहीं है, और इसकी कोई अभी तक कोई ऐसी रिसर्च भी नहीं है कि ये क्या है, कहाँ से आया है, क्या है, कैसे ये आया है जो है। तो गिलोय एक अपने आप में ऐसी जड़ी बूटी है हमारी औषधि है, कि ये अगर आप इसको लगभग 2 इंच ये डंडी, आप इस तरह की डंडी लेकर उसको कूट लें अदरक की तरह छोटा छोटे पीस करके, नहीं ऐसी इसके हरी आप लें तो ज़्यादा लाभकारी है जो है। तो इसको कूट कर और 1.5 गिलास पानी में आप इसको बॉयल कर लें, बॉयल करके जब पानी आपका 1/2 गिलास रह जाए आप इसको छान कर सुबह एक बार पी लीजिए, एक बार रात को पी लीजिए, तो आपके इम्यून सिस्टम पर ये बहुत ज़बरदस्त काम करती है, आपकी ब्लड प्यूरिफिकेशन प्रोसेस को आपके बढ़ा देती है। आंवला विटामिन सी का बहुत अच्छा स्रोत है, विटामिन सी
बॉडी के इम्यून सिस्टम को बढ़ाने में बहुत ही हेल्प करता है। तो आंवले का आप अपने खाने में प्रयोग करें, आप इसको कैंडी के फॉर्म में खा सकते हैं, आप इसको जूस के फॉर्म में इसका ले सकते हैं। नींबू भी विटामिन सी बहुत रिच मात्रा में इसमें पाया जाता है, तो नींबू का आप प्रयोग करें, दिन में 2 से 4 बार आप नींबू पानी पीते रहें इससे। नींबू के लिए एक सवाल कई लोग पूछते हैं अक्सर कि जिस तरह से मान लो किसी को थोड़ा बहुत जुकाम है, विटामिन सी लेना चाहते हैं, लेकिन अगर नींबू पानी या नींबू पीते हैं तो और ठंडा हो जाता है और जुकाम बढ़ जाता है। देखिए नींबू में आप इसको गर्म पानी में लें, अगर आप गर्म पानी में नींबू आधा नींबू निचोड़ें एक समय जब आप लेते हैं तो एक समय में, और तब आप इसको प्रयोग करेंगे तो आपको ये जो है गले में, कई बार नींबू लेने से ठंडे पानी में तो गले में दर्द हो जाता है, खारिश सी होने लगती है। तो नींबू का प्रयोग हमेशा गर्म पानी में करें ऐसी स्थिति में जब आपको इन्फ्लुएंजा की प्रॉब्लम हो रही है। ये सब चीज़ें जो आपने बताई, गिलोय हो, नींबू हो, लौंग हो, इनका मकसद इम्यून को बढ़ाना है, डायरेक्ट वायरस पे इफ़ेक्ट नहीं है। बिल्कुल ठीक बात है। देखिए डायरेक्ट कोई भी मेडिसिन वायरस पर इफ़ेक्ट कर ही नहीं सकती। वायरस पर इफ़ेक्ट करने के लिए बॉडी का जो सुरक्षा तंत्र है, जो इम्यून सिस्टम है, वही वायरस को किल कर सकता है। तो आपको इम्यूनिटी को ही बढ़ाना होगा तो तभी आप वायरस, कोरोना वायरस हो या दूसरा जो भी, ये हर साल नए नए वायरस आ जाते हैं, 2013 में मार्स, 2012 में सार्स, ये सब जो है नए नए तरह के वायरस जो है, कभी डेंगू कभी स्वाइन फ्लू, तो इन सब पर अगर आप विजय प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको अपने इम्यून सिस्टम को अच्छा रखना होगा। उसके लिए नियमित रूप से आप योग का अभ्यास करें और ये जो सब चीज़ें हम बता रहे हैं जो आयुर्वेद कहता है, आयुर्वेद देखिए दो चीज़ों में काम करता है, एक तो आप बीमार हैं तो आपको कैसे स्वस्थ किया जा सकता है इसका आयुर्वेद जानकारी देता है, दूसरा आप बीमार ना हो उसके लिए भी आयुर्वेद आपको प्रोटेक्ट करता है। तो जो व्यक्ति बीमार नहीं है वो भी इन सब चीज़ों का प्रयोग कर सकता है, और जो बीमार है वो भी इनका प्रयोग करे तो स्वस्थ हो जाता है। साथ में योग का अभ्यास करें। इसके अलावा हैंड सैनिटाइजर बहुत यूज कर रहे हैं लोग, हैंड सैनिटाइजर का विकल्प क्या घर में बैठकर हम बना सकते हैं और कितना कारगर है हैंड सैनिटाइजर बार बार यूज करना? देखिए हैंड सैनिटाइजर आप आसपास कहीं भी, आप नीम के पत्ते आप इजीली अवेलेबल हो सकते हैं सबको, नीम के पत्ते आप ले आइए घर में, जो है लगभग 200 ग्राम नीम के पत्ते आप ले लीजिए, उसमें आप 50 से 100 ग्राम जितनी अवेलेबलिटी हो आप तुलसी के पत्ते आप उसमें डाल लीजिए, थोड़ा कपूर और कुछ फिटकरी, लगभग अगर आप इसको 200 ग्राम 250 ग्राम नीम के पत्ते लेते हैं और 50-100 ग्राम तुलसी लेते हैं तो इसको 2 लीटर पानी में आप उबाल लीजिए, जब पानी उबलते हुए आपका 1 लीटर रह जाए तो आप उसमें लगभग 10 ग्राम फिटकरी डाल लीजिए और 2 से 3 ग्राम इसमें कपूर आप मिक्स कर लीजिए, तो ये आपका एक हैंड सैनिटाइज़र तैयार हो जाता है और ये पूरी तरह से संक्रमण से आपको बचाता है। ये आयुर्वेद में ये सब चीज़ें जो मैंने आपको बताई, ये एंटी फंगल है, एंटी बैक्टीरियल है, उनका आप प्रयोग करें। एक और भी देख रहे हैं हम, मैसेज आ रहे हैं कि घर में कपूर जला के रखिए उससे वायरस नहीं आएगा, क्या कपूर में इतनी ताकत है कि वायरस को भगा दें? देखिए कपूर एंटी फंगल है, एंटी बैक्टीरियल है ना, और कपूर आपके हवा को शुद्ध करता है, जिस एनवायरनमेंट में आप घर में रहते हैं तो कपूर आप लौंग जो हवन का जो विधा है, हवन सामग्री जो होती है उनमें यही सब चीज़ें डाली जाती हैं जिससे कि आपका एनवायरनमेंट शुद्ध होता है, एनवायरनमेंट से कोई भी बैक्टीरिया कोई वायरस आपके ऊपर इफ़ेक्ट नहीं करता, तो ये बचाव के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन अगर वायरस इफ़ेक्ट कर दे आपके अंदर बॉडी में चला जाए तो उसको तो आप इम्यून सिस्टम को ही बढ़ाकर उससे फाइट करें, उसमें औषधियों को आपको खाना होगा, और कुछ विधा हैं जो यज्ञ चिकित्सा में हम लोग प्रयोग करते हैं जिसमें अग्नि में कुछ जड़ी बूटियों को आप आहुत करते हैं, उससे जो फ्यूम्स उठते हैं वो आप श्वास के थ्रू आपकी बॉडी मेंटेन करते हैं, आपके ब्लड तक पहुँचते हैं वो, तो वो एक बड़ी चिकित्सा है, वो डिफरेंट हो जाएगा इसमें। तो आप इन सब चीज़ों का प्रयोग करें और घर पर ही आप हैंड सैनिटाइजर बना सकते हैं, आपको बाहर से इतना मारे मारी करने की आवश्यकता नहीं है, अगर इजी अवेलेबल है तो आप ले सकते हैं, नहीं तो आप घर पर बनाएं उसको यूज करें। इसके अलावा खाया क्या जाए इस दौर में जहाँ हालांकि सब रेस्टोरेंट वगैरह बंद हैं, लेकिन घर पर भी क्या खाया जाए ताकि इम्यून आपका सेट रहे? देखिए इम्यून सिस्टम को बढ़ाने के लिए हमेशा आप प्रोटीन रिच फूड लें, आप हरी सब्जियों का प्रयोग करें, आप प्रोटीन के लिए दालों में जैसे मूंग की दाल है, ये तीनों दोषों को बैलेंस करती है, मूंग की दाल वात पित्त कफ को बैलेंस करती है, तो मूंग की दाल का प्रयोग करें, उसको स्प्राउट्स बना के लें, अंकुरित करके लें उसको, आप चने को स्प्राउट्स बना कर लें ना,
और मैं ये आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ सबको कि रात का जो डिनर आप लोग करते हैं उसको हल्का करें, क्योंकि जो खाना आपकी बॉडी में पचा नहीं है, रात को थोड़ा डाइजेशन सिस्टम जो है हमारा पाचन तंत्र स्लो हो जाता है, तो जो खाना बॉडी में आप देते हैं वो यदि डाइजेस्ट नहीं होता तो बॉडी में विकार पैदा करता है, ब्लड को दूषित करता है, जिससे आपके इम्यून सिस्टम बढ़ जाए बढ़ने के और गिरता है। तो रात के समय हल्का भोजन करें और संतुलित आहार करें, नॉनवेज का आप प्रयोग कम से कम करें, क्योंकि ये जितने भी तरह के वायरस हैं, चाहे वो स्वाइन फ्लू की बात करें चाहे सार्स की बात करें, ये सब एनिमल से, कोरोना वायरस भी एनिमल से आया है जो है अभी। ये इस दौर में एक सवाल और उठता है, सभी लोग घर में हैं, वर्क फ्रॉम होम हो रहा है, बच्चों की छुट्टियाँ हैं, तो घर में बैठ के उनकी मानसिक हालात भी चेंज हो सकते हैं, क्योंकि रोज़ बाहर घूमने की आदत है, घर में बैठे रहे, तो योग में उस स्थिति से निपटने के लिए कुछ खास चीज़ें हैं? देखिए बिल्कुल, आप घर में बैठ के योग का अभ्यास करें, प्राणायाम करें, ध्यान का अभ्यास करें। ध्यान, आज जो कोरोना वायरस का भय बहुत ज़्यादा फैल रहा है, हर व्यक्ति भयभीत है, बच्चे भयभीत हैं, बूढ़े भयभीत हैं, घर में गृहिणियाँ भयभीत है, वो भय इतना ज़्यादा हो गया है कि अगर किसी को नॉर्मल छींक भी है, नॉर्मल इन्फ्लुएंजा की प्रॉब्लम्स भी अगर आ रही है, तो वो भी समझ रहा है कि मुझे कोरोना हो गया। तो भयभीत बिल्कुल ना हो, पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है। इससे चुनौती जो इस आज पूरी तरह से महामारी की तरह फैल रही है, इसको, इससे चुनौती को स्वीकार करके इसको सावधानी के साथ जो है आप टैकल करें और योग का अभ्यास करें, घर में बैठ के ध्यान का अभ्यास करें। और इसके लिए हम अपनी तरफ से भी प्रयास कर रहे हैं कि अपने चैनल के माध्यम से हम हर रोज़ जो है एक मेडिटेशन का एक सेशन दें जो आप घर पर ही बैठकर लाइव कर सकते हैं। एक चीज़ मैं और जानना चाहता हूँ, मान लो किसी को नॉर्मल फ्लू हो गया है, सर्दी जुकाम खांसी हो गई है, तो वो क्या चीज़ यूज करें आयुर्वेदिक जिससे वो ठीक हो सके? देखिए उसके जो नॉर्मल फ्लू की बात करते हैं तो वो तो बहुत ही जल्दी बुखार हो जाता है, तो गिलोय अपने आप में जो है ज्वरनाशक होती है, गिलोय जो है ज्वरनाशक है। आप इसकी दो डंडी अगर किसी को हो गया तो दो डंडी कूट के सुबह दोपहर शाम ऐसी ऐसी दो डंडी, दिन में छः डंडी, दिन में छः डंडी आप तीन बार प्रयोग कर लें तो आप देखेंगे 24 घंटे के अंदर ही आपके फीवर में कमी आने लगेगी और आप की बॉडी जो है हील करने के लिए तैयार हो जाएगी। जो गला खराब वगैरह, गले खराब के लिए मैंने आपको बताया कि ये लौंग जो है इसको भून लें, हल्का तवे पर रोस्ट करके इसको, और इसको मुंह में रख लें, आप इसको चूसें, एक काली मिर्च आप हल्का सा रोस्ट कर लें इसको भी, और इसको भी चूस लीजिए काली मिर्च को, तो इसका रस आपके गले में जाएगा तो 24 घंटे के अंदर आपको राहत मिल जाएगी। शरीर में जकड़न दर्दें भी होती हैं लोगों को, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं? देखिए दर्दों के लिए भी ये गिलोय का प्रयोग आप करें, ये वातनाशक भी होती है जो है, तो अगर शरीर में दर्द है किसी को, मान लीजिए फीवर के कारण दर्द हो रहा है, तो जनरली आप गिलोय का, लौंग का, इन्हीं का प्रयोग करें, बहुत अच्छा है। मुलैठी आप उसमें ले सकते हैं, थोड़ा जो है मुलैठी का प्रयोग कर सकते हैं। कुछ हम चाहते हैं हमारे दर्शकों को कुछ एक दो क्रियाएं बताएं जो कि घर में बैठ के लोग कर सकें अपना इम्यून बढ़ाने के लिए। बिल्कुल बताते हैं, इसमें देखिए कोई भी वायरस जब हमारी बॉडी पर अटैक करता है तो वायरस हमारे नोज के थ्रू या माउथ के थ्रू जब बॉडी गले में हमारे एंटर करता है तो गले में टॉन्सिल ग्रंथियाँ जो उसे रोक लेती हैं, तो कुछ समय तक वहाँ वायरस रुकता है, लेकिन अगर आपकी इम्यूनिटी कमज़ोर है, आपकी टॉन्सिल ग्रंथियाँ जो है वो ठीक नहीं है, तो वायरस आपके, कोरोना वायरस की अगर बात करें तो कोरोना वायरस आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम में एंटर कर जाता है और आपके लंग्स को फिर ये डैमेज करने लगता है, आपको सांस लेने में दिक्कत हो जाएगी ना। तो इसके लिए आप सबसे पहले अपने गले को हेल्दी करें, गले को अगर आपने हेल्दी किया, गले में कोई म्यूकस ना रहे, आपके गला क्लियर रहे, तो आपकी 70-80% तो यहीं से बचाव हो जाता है कोरोना वायरस से। तो गले को कैसे आप हेल्दी कर सकते हैं, इसके लिए एक तो मैं बताना चाहूँगा कि आप गरारे ज़रूर करें, नमक डालकर गुनगुने पानी में सुबह जब आप उठते तो सबसे पहले बिना कुछ खाए पिए गरारे करें, और रात के समय भी जब आप सोते हैं तो सोने से पहले आप ज़रूर गरारे करें, और गरारे भी थोड़ा गुनगुना पानी लेकर उसको मुंह में खूब अच्छे से आवाज़ के साथ गरारे करें, मतलब उसमें आप शर्माए नहीं कि आपके घर के दूसरे लोग क्या सोचेंगे कि आप क्या कर रहे हैं या आपके पड़ोसी क्या सोच, आपको इतना अच्छे से गरारे करो कि पड़ोसी तक आवाज़ जाए, उसको भी लगे कि गरारे करने चाहिए।
तो गरारे इसमें बहुत अच्छा है, पूरा क्लीन कर देते हैं आपके दिन भर की जो टॉक्सिसिटी आ जाती है वो गले में ही, गला उसको रोकता है। आपकी बॉडी में कोई भी पॉइजन जब एंटर करता है वो श्वास के थ्रू, खाने के थ्रू, तो गला ही उसको रोकता है। इसी कारण से आप देखते हैं जब भी फीवर आता है सबसे पहले गला आपका दर्द करने लगता है। सबसे पहले गले पर ही बीतती है, शरीर में बाद में एंटर होती है बॉडी। तो गले को स्वस्थ रखने के लिए मैं आप एक प्राणायाम बताऊँगा जो बहुत इफेक्टिव है, कोरोना वायरस के लिए भी बहुत ही आपको फिट रखता है ये प्राणायाम। इसको उज्जायी प्राणायाम कहते हैं योग में। उज्जायी प्राणायाम ये विशेष तौर पर गले पर काम करता है, गले की इम्यूनिटी को बढ़ाता है। गले को हम संकुचित करेंगे इसमें और श्वास को अंदर भरेंगे धीरे धीरे, तो गले से एक आवाज़ होगी, जैसे कबूतर एक आवाज़ करता है ठीक वैसी ही एक आवाज़ होगी आपके गले से जो है। आपने देखा मैंने गले को संकुचित किया, श्वास को अंदर भरा, तो गले से एक आवाज़ हुई, उसके बाद श्वास अंदर ही मैंने रोक लिया, जलंधर बंद लगाया इस प्रकार से गर्दन को थोड़ा सा नीचे। आप अपनी बॉडी की कैपेसिटी के हिसाब से कम 3 से 5 सेकंड तो ज़रूर रोकें। जिनको अस्थमेटिक प्रॉब्लम है या हाई बीपी रहता है तो वो 3 मिनट रोक लें, नहीं तो इससे ज़्यादा भी आप अपनी बॉडी की कैपेसिटी के अनुसार 10, 20, 30 सेकंड तक भी रोक सकते हैं। फिर आपने देखा कि मैंने राइट को बंद किया और लेफ्ट नोस्टल से श्वास को धीरे धीरे बाहर छोड़ दिया। ये कंप्लीट एक चक्र इसका उज्जायी प्राणायाम का पूरा होता है। ऐसे आप कम से कम 7 to 11 times 7 से 11 बार इसको ज़रूर करें, तो आप देखेंगे कि जितना भी म्यूकस आपको शुरू में जब आप इसको करेंगे तो थोड़ा खांसी भी हो जाती है, कई बार कफ जमा रहता है तो वो कफ निकलने लगता है, थोड़ा खांसी हो सकती है। तो आप खांसी और खांसते समय आप अपने हाथ का यूज़ करें या अपने बाजू का यूज़ करें, ये विशेष ध्यान रखें जो है। और अगर आप घर में हैं तो हाथ का यूज़ करिए, क्योंकि आप हाथ उठकर धो सकते हैं, और बाहर हैं तो आप बाजू का यूज़ करें अगर आपको कभी भी खांसी। ये भी विशेष कुछ सावधानियां कोरोना वायरस में आप ज़रूर रखें। तो उज्जायी प्राणायाम 7 से 11 बार आप करेंगे तो आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी, आपके गला हेल्दी होगा, आपकी आवाज़ में मधुरता आएगी। दूसरा प्राणायाम है भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका में आप दोनों नोस्टल से डीप श्वास लें इस प्रकार से, श्वास छोड़ें, फिर श्वास लें, श्वास छोड़ें। ये भस्त्रिका प्राणायाम, जितना फोर्स के साथ आप श्वास को लेते हैं इसको आप मीडियम गति से ही करें, क्योंकि लंग्स भी आपके हेल्दी होने चाहिए। कोरोना वायरस अगर बॉडी में एंटर करता है तो रेस्पिरेटरी सिस्टम को ही डैमेज करता है, तो रेस्पिरेटरी सिस्टम को हेल्दी करने के लिए भस्त्रिका प्राणायाम भी बहुत अच्छा है। मैंने उज्जायी प्राणायाम बताया जो गले के लिए, पहले गला फाइट करेगा वायरस से, फिर अगर लंग्स में एंटर कर गया तो लंग्स फाइट करते हैं। लंग्स के लिए आप भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास करें, दोनों नोस्टल्स डीप ब्रीदिंग करें धीरे धीरे, अधिक से अधिक ऑक्सीजन को भरें, अपने डायफ्राम को फुलाएं, अपने लंग्स को फुलाएं पूरा। इस प्रकार से एक बार फिर से मैं दिखाता हूं, इस प्रकार से करें। तो भस्त्रिका प्राणायाम आपके तीनों दोषों को बैलेंस करेगा, आपकी बॉडी में ऑक्सीजन की मात्रा अधिक हो जाएगी, आपके लंग्स अधिक हेल्दी होंगे, आपका ब्लड अधिक प्यूरीफाई होगा, आपकी इम्यून सिस्टम बढ़ेगा। तो भस्त्रिका प्राणायाम और उज्जायी प्राणायाम, ये दो प्राणायाम जरूर करें, साथ में आप थोड़ा भ्रामरी प्राणायाम का भी अभ्यास कर लें, ओम चैंटिंग कर लें, इनका अभ्यास करें आप थोड़ा। बिल्कुल, सारी चीज़ें हमने जानी कि क्या क्या यूज कर सकते हैं, जिस तरह से आयुर्वेद की कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो घर में पड़ी होती हैं, चाहे दालचीनी हो, मलट्ठी हो, गिलोय हो, नींबू हो, ये सारी चीज़ें घर में होती हैं और इनका उपयोग करके आप इम्यून सिस्टम बढ़ा सकते हैं, क्योंकि वायरस से लड़ने के लिए दवाई की ज़रूरत नहीं होती, हमारे अंदर के इम्यून सिस्टम को पावर देना ही बहुत ज़रूरी है। और घर बैठे हैंड सैनिटाइज़र कैसे बनाएं वो भी डॉक्टर साहब ने हमें बताया, और उम्मीद है आप लोग इन सब चीज़ों का यूज़ करके कोरोना वायरस से दूर रह सकते हैं।
दिल्ली से कैमरामैन लक्ष्य के साथ नितिन धीमान, दैनिक सवेरा टीवी। ऑल वर्ल्ड ओपन चैलेंज 17 टाइम गोल्ड मेडलिस्ट मियां रफीक मोहम्मद, पंडित, मौलवी, बेगम, तांत्रिक, इन चोरा ठगा तो सावधान। स्पेशलिस्ट वशीकरण, सट्टा नंबर, लव मैरिज, पति पत्नी च अनबन, विदेश च पक्का होना, कारोबार दा ना चलना, सिर्फ 31 घंटियां विच समाधान। फ्री 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 मियां रफीक मोहम्मद, मोबाइल 84374 94647, 84374 94648।